हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए और एक ब्लॉग लेके आया हूँ। तो इसमें मैं आप सभी को मैं मेरा डेली शेड्यूल में क्या क्या होता है वो दिखाना चाहूँगा। पूरा आउटसाइड कंपनी तो लेके नहीं जा सकता हूँ मोबाइल, तो मैं अंदर ही रह के आपको मतलब कब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कब हम लोग का क्या पीरियड चल रहा है वो बता सकता हूँ। जैसे कि देख सकते हो, अभी तो टाइम हुआ है अराउंड 10 बज गया है। तो अभी अभी तो सोने का टाइम हो गया है, सुबह 5 बजे हमको नीचे फॉल इन होना है। तो अभी जल्दी सो के फिर जल्दी उठना भी है, तो अराउंड 4 बजे तक, 4 बजे उठ जाना है। फिर उठ के फिर फ्रेश हो के सेविंग वेविंग करके निकलना होता है। तो जो हम लोग का डेली प्रोग्राम होता है वो पहले दिन ही शाम को, मतलब आज जो शाम को 6 साढ़े 6 बजे, 6:30 बजे रोल कॉल होता है, उसी में बताया जाता है कि क्या क्या प्रोग्राम है, कौन सा पीरियड कब है। तो उसी हिसाब से हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है। तो जैसे कि आप सब लोग पूछते रहते हो कि क्या चल रहा है, क्या क्या शेड्यूल रहता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियोस में कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि आपका स्ट्रेटेजी बताओ, आपका जर्नी बताओ, वो सब भी धीरे धीरे बताऊँगा। अभी के लिए ज़्यादा क्या हुआ है ना, मैं ट्रेनिंग पे फोकस कर रहा हूँ। हेयर कटिंग ये वाला स्टाइल आपको कैसा लगता है, जो ये फोर्स का कटिंग है ना, इस तरह रहता है, तो कैसा लग रहा है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो ठीक है, अभी सो जाते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 4:30। उठ के फ्रेश होके फिर निकलना है, अभी जाता हूँ सेविंग वेविंग करके बस। फटाफट रेडी हो जाते हैं। और ये है मेरा बड़ी बड़ी, इधर थोड़ा देखो। मुझे लग चुका है अभी हमको जाना पड़ेगा। बड़ी केला खाते हुए मेरा सुबह का ये आलमंड और कुछ किशमिश खाता हूँ, सीधा खा के चलते हैं। सभी लोग जा रहे हैं पूरा। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ भाई साहब, फिटी ओवर, अभी जाएंगे WT के लिए, तुरंत रेडी होना है। चेंज करते करते बोल दूंगा क्या क्या हुआ आज। या 2.5 अराउंड 2.5 किलोमीटर रनिंग हुआ, उसके बाद 50 चिन अप। ऐसे तो ही रहो भाई बड़ी, कुछ बोलो कैसा लगा। गंदी बात नहीं, गंदी बात नहीं। फिर 30 सीट अप और क्या हुआ, और क्या क्या हो रहे। चिनअप तो गजब, चिनअप तो 50 हो गया, सीटअप हुआ 30, रनिंग 2.5 हो जाए, हो गया होगा ना। और एक टायर पुलिंग होता है वो होगा। सुबह सुबह पीटी करके मजा आ जाता है। अच्छे से अगर पीटी हो ना सुबह, दिन अच्छा जाता है, पूरा फ्रेश।
एनर्जेटिक फील होता है। 40 मिनट का पीटी हुआ, अभी अराउंड 7:10 हो रहा होगा। ये रहा मेरा दोस्त, आसाम का बंदा। होय, ब्लॉग के लिए कुछ डांस वांस कर दे, थोड़ा मुजरा करके दिखा देगा। हाँ, बाद में दिखाएगा ना। अच्छा चल ठीक है, बताना पीटी कैसे हुआ। कुणाल भाई तू बता। हाँ भाई, कितने कट मार सकते हो? मार हाँ, फिर मूड नहीं खराब करना दोस्त। और जीते तू, ये एडिट कर दूंगा। पीटी के बाद ग्लूकोन डी पीने का मजा ही आ बैठी। अभी लेट है, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत ही लेट है, बहुत ही लेट। स्माइल देखो, इसका स्माइल देखो। हम तो भाई चले बड़ी को छोड़ के, वो आएगा। चल भाई भागे भागे जा रहे हैं भाई। और भाई जीतेश, ये है बिहार का बंदा, नालंदा। बैक टू रूम। डब्ल्यू टी क्लास खत्म, अभी 9:40 से इंडोर क्लास है, तो अभी 9:17 हुआ है, 40 पे हुई सील, 35 पे हुई सील लगेगा। मतलब हम लोग को 15 मिनट में नहा धो के रेडी होना है, और आते ही खाना खा लिए नीचे, आज पूरी था। तो चलिए फिर मिलते हैं सीधा इंडोर क्लास के लिए रेडी होने के बाद। तो हम हो गए तैयार, अभी चल देंगे इंडोर क्लास के लिए। चलिए चलिए क्लास के लिए चलिए, लेट हो जाएंगे। चेस्ट नंबर पहनना है, अभी पहन के फिर चलते हैं। सभी चल रहे हैं, कुछ एक बोतल पानी लिया। सभी जा रहे हैं नीचे, अभी क्लास से आ गए सभी लोग। आने के बाद ही हम खाना खा लेते हैं नीचे, खाना खा के फिर रूम आ जाते हैं। फिर अभी हम लोग का क्लास का 10 बजे से 1:05 तक है, और 1:05 से हम वहाँ से आते हैं। फिर आने के बाद खाना खाते हैं, खाने खाने के बाद रूम में आके आधा घंटा का रेस्ट लेते हैं, आधा एक घंटा का। फिर उसके बाद फिर से आज का प्रोग्राम के हिसाब से फिर से थोड़ा रेस्ट करेंगे। आज तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा मुझे लग रहा है, 1:35 हुआ है। फिर 1:35 से 2:20 तक रेस्ट ले सकते हैं, 40-50 मिनट का। नीचे 2:40 अभी फॉरिन का टाइम तो पता है नहीं, वहीं 2:40 या 2:50 पे हुई सी लगेगा। फिर 3 बजे कोद जाके वहाँ से राइफल निकाल के फिर क्लास के लिए रेडी होना है। हाथ आज पूरा दर्द कर रहा है, चिनअप्स आज पूरा ज़बरदस्त मरवाया है। बड़ी अभी तक आया नहीं, और अभी हम निकले हमारा डब्ल्यू डी क्लास के लिए। लगभग 3:05 बज गया है, 3:05 तो नहीं, 3 हो जाए, 3:05 पे नीचे फॉल इन होना है। तो है क्या बोल दिया मैंने, 3:05 मत कर, 3:05 अच्छी बात नहीं होती। चलो फिर चलते हैं डब्ल्यू डी क्लास के लिए। अबे जल्दी चल, सुबह भी लेट था भाई। लंगड़ा आदमी है, फिर लेट, लंगड़ा आदमी लंगड़ा हो गया है। ठीक है फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर डब्ल्यू टी क्लास आने के बाद। गए हम क्लास से, डब्ल्यू टी में एफ सी फील्ड क्राफ्ट का क्लास था, और अभी इसके बाद हम लोग का 4 प्लाटून का गेम पीरियड है। चल चल, चाय पिएगा ना भाई? आओ कपू उसमें है, उसके कुणाल के पास है, अभी चाय पी लेते हैं। शेड्यूल का कर रहा हूँ, डेली शेड्यूल का कर रहा हूँ, बस हो जाएगा इतना। चाय टू द चाय,
चाय आ गया, ले ले तू भी ले ले, कप है ना, चाय पीते हैं फिर तुरंत ड्रेस चेंज करके गेम के लिए चलेंगे। बहुत बढ़िया काम है यार। कुछ लग गया है गेम के लिए, अभी चलेंगे। अल्टरनेट डेज होता है, एक दिन गेम होता है और एक दिन वर्किंग रहता है, तो आज हम लोग का वर्क सॉरी गेम आगे जा रहे हैं और आधे तो चले भी गए। और क्या भूल रहा हूँ, अरे एक बनाना खा लेते हैं। तो फाइनली आज दिन का प्रोग्राम ओवर हुआ, अभी 6:10 हुआ है और 6:30 बजे रोल कॉल होता है। रोल कॉल के बाद हम फ्री हो जाते हैं, लगभग 7:15 तक फ्री हो जाएंगे, उसके बाद अपना टाइम। पहले तो 7-8 बजे तक प्रोग्राम चलता था, अभी 6:30 बजे मिड टर्म के बाद 6:30 बजे रोल कॉल हो जाता है, 7 बजे तक फ्री हो जाते हैं। अभी अपना टाइम में शायद कुछ बाहर वॉलीबॉल खेल रहे हैं। ये रहा हमारा पूरा हॉस्टल। सभी रूम में दो दो रहते हैं। और ये हम लोग का रिक्रिएशन हॉल है। ये हमारा शॉर्ट जिम है, दो साइड है, इधर इधर B1 है और इधर B2 है। यहाँ बैडमिंटन खेला जा रहा है। और अभी टाइम हो गया है डिनर करने का, 7:45 पे डिनर लग गया था, अभी जाके मैं खाना खा लेता हूँ फिर हम लोग फ्री अपना टाइम पूरा। चलो चलते हैं खाना खा लेते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो मैं जितना हो सकता था वो आपको आप लोगों को दिखाया, तो इससे तो आप लोगों को ओवरऑल एक आइडिया हो गया होगा क्या क्या रहता है डेली शेड्यूल। ये हम लोग का मिड टर्म के बाद का ट्रेनिंग शेड्यूल है। पहले कुछ और होता था, और तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, कुछ कुछ डिफरेंस रहता था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सो यहीं पे इसको एंड करते हैं इस ब्लॉग को। थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर देना।